भगोड़े अमृतपाल के उत्तराखंड में होने की आशंका के तहत तलाश तेज कर दी गई है। अमृतपाल के वेश बदलकर नेपाल भागने की आशंका के तहत ये अलर्ट जारी किया गया है। धारचूला में भारत नेपाल सीमा पर बीएसएफ को अलर्ट किया गया है। पंजाब पुलिस केंद्रीय जांच एजेंसियों ने बीएसएफ को यह अलर्ट भेजा है और आशंका व्यक्त की जा रही है कि उत्तराखंड के रास्ते नेपाल में दाखिल हो सकता है। अमृतपाल की तलाश में खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। तमाम भारत नेपाल सीमाओं पर चौकसी बढ़ा दी गई है। एसएसबी से लेकर बीएसएफ तक अलर्ट किया गया है और तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां इस वक्त अमृतपाल को पकड़ने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। पंजाब पुलिस से लेकर सेंट्रल एजेंसीज तक अमृतपाल को पकड़ने की कोशिश कर रही है। ऐसे में सवाल यह है कि कहां छिपा है अमृतपाल। पंजाब से लेकर हरियाणा से लेकर उत्तराखंड और अब नेपाल भागने की आशंका। इसी के तहत आपको बता दें कि नेपाल भाग सकता है। ये भगोड़ा अमृतपाल और उसके नेपाल भागने की आशंका के तहत आईबी पंजाब पुलिस लगातार वहां पर दबाव बना रही है और कोशिश कर रही है कि उसको जल्द से जल्द पकड़ा जा सके। लखीमपुर खीरी, यहां से नेपाल भागना बेहद आसान है। लोकेशन ट्रेस होने की संभावना के तहत यह दावा किया जा रहा है। दिल्ली में दो दिन पहले उसकी लोकेशन बरामद हुई थी और अब 20 मार्च से लगातार वो फरार है और अब आशंका व्यक्त की गई है कि उत्तराखंड में हो सकता है और उत्तराखंड के जरिए वो नेपाल दाखिल होने की कोशिश करेगा।